देश में आईआईटी कॉलेजों की हालत खराब है। आईआईटी में सत्र 2023-24 में पढ़ाई करने वाले 38% विद्यार्थियों को नौकरी नहीं मिल पाई, यानी 100 लोगों ने आईआईटी से पढ़ाई की तो सिर्फ 62 लोगों को ही नौकरी नसीब हो पाई। देश में वैसे भी बेरोजगारी एक बड़ी और जटिल समस्या बनी हुई, ऐसे में आईआईटी पास स्टूडेंट्स भी बेरोजगारी का सामना करने लगे तो वाकई में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। बड़ा सवाल यह है कि क्यों आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित कॉलेजों के बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं? क्या बेरोजगारी का ये आलम इसी साल देखने को मिल रहा है या पिछले कई सालों से ये दिक्कत सामने आ रही है? इसके अलावा अमेरिका के नामी कॉलेजों से पढ़ने वाले भारतीयों का क्या हाल है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूँ आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले ये बेरोजगारी वाला मामला उठा कहाँ से, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। 38% आईआईटी स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिल पाई है, ये जानकारी एक आरटीआई में सामने आई है। ये आरटीआई आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र धीरज सिंह ने दायर की थी। अब क्या बातें आरटीआई से निकली, इसको आसान भाषा में डिकोड करते हैं। आरटीआई से पता चला कि देश के सभी 23 आईआईटी संस्थानों में इस साल 2023-24 बैच में करीब 8,000 छात्रों यानी 38% आईआईटीयन को नौकरी नहीं मिल पाई। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये सिलसिला लगातार 3 सालों से देखा जा रहा है। आंकड़ों से इसी बात को समझिए। साल 2024 में 21,500 लोगों ने नौकरी के लिए अपने आप को रजिस्टर किया तो 13,410 लोगों को ही प्लेसमेंट मिला, यानी 38% लोगों के हाथ खाली रह गए। एक साल पहले चलें तो साल 2023 में 20,000 लोगों ने नौकरी के लिए अपने आप को रजिस्टर किया तो मात्र 15,830 लोगों को ही प्लेसमेंट मिला, यानी पिछले साल भी 21% लोगों के हाथ खाली रह गए। इसके पिछले एक साल चलते हैं यानी साल 2022 में 17,900 लोगों ने नौकरी के लिए अपने आप को रजिस्टर किया तो 14,490 लोगों को ही प्लेसमेंट मिल पाया, यानी पिछले साल भी अगर देखें तो 19% लोगों के हाथ खाली रह गए। अब जिसको ये समस्या हुई है उनको क्या क्या और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ये जानिए। आईआईटी बॉम्बे के छात्रों के मुताबिक जो कंपनियां पिछले साल तक 5 से 8 छात्रों को चुनती थी यानी सिलेक्ट करती थी, वो इस साल मात्र 1 या 2 लोगों को ही सिलेक्ट कर रही। कईयों को अभी भी नौकरी पर नहीं रखा गया है। कोचिंग क्लास से लेकर स्टार्टअप तक कुछ को हाल ही में चरण 2 में 60,000 रुपए से लेकर 80,000 रुपए के वेतन पैकेज के लिए चुना गया। आईआईटी खड़गपुर में क्या हाल है ये भी जानिए। स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजीज ने ट्रेनी इंजीनियर्स के लिए 3.6 लाख तो ट्रेनी डिजाइन इंजीनियरों के लिए 6 लाख की पेशकश की। स्टार्टून लैब्स और जेम मशीनरी ने सालाना 5.5 लाख की पेशकश की तो वहीं स्काई रूट ने 5 लाख रुपए की छात्रों को पेशकश की थी। श्री चैतन्य और नेक्स्ट एजुकेशन सालाना 4.8 से लेकर 6 लाख की पेशकश की, यानी कुल मिलाकर देखिए तो आईआईटीएन छात्रों का ये हाल। आईआईटी दिल्ली के छात्रों का भी हाल कुछ ऐसा ही है, मतलब बेहाल। आईआईटी दिल्ली ने अपने पूर्व छात्र यानी एलमनस को मेल किया है और मौजूदा छात्रों के लिए मदद मांगी। पूर्व छात्रों से इंटर्नशिप के मौके के लिए भी मदद मांगी जा रही है। अब कहानी के इस मोड़ पर आने के बाद आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा, ये दिक्कतें भाई क्यों आ रही। बिजनेस स्टैंडर्ड ने इस मामले में बिट्स समूह के कुलपति वी राम गोपाल राव का एक बयान छापा है। बकौल वी राम गोपाल राव के मुताबिक हर जगह प्लेसमेंट 20% से 30% कम हुआ है। अगर कोई संस्था कह भी रहा है कि सभी छात्रों को नौकरी मिल गई तो वहां नौकरियों की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, वो अच्छी नहीं है। राव ये भी बताते हैं कि ये पहला साल है जब चैट जीपीटी और बड़े लैंग्वेज मॉडल ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। अगर 2 लोग मिलकर 3 लोगों का काम कर सकते हैं तो हम पहले ही बहुत अधिक नियुक्तियों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई देशों में इस साल चुनाव भी है, इसलिए कंपनियां वेट एंड वॉच यानी इंतजार करने की पॉलिसी यानी नीति को अपना रही है, जिससे छात्रों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये दिक्कत यही है, बल्कि अमेरिका के नामी कॉलेजों से पास आउट हुए भारतीयों को भी कोई पूछने वाला नहीं। अमेरिका के जिन नामी गिरामी कॉलेजों की बात की जाए उनमें आईवी लीग संस्थानों का एक ग्रुप माना जाता है। इसमें अमेरिका के 8 संस्थान ब्राउन यूनिवर्सिटीज, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, कार्नेल यूनिवर्सिटी, डार्टमाउथ कॉलेज, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, पेनिसिल्विया यूनिवर्सिटी, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और येल यूनिवर्सिटी भी शामिल है। यानी इन यूनिवर्सिटीज के छात्रों को भी इंटर्नशिप और नौकरी के अवसर हासिल करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यहां तक कि आपको बता दें कि इसके कारण क्या है तो वैश्विक आर्थिक मंदी और चुनावी साल को बड़ा कारण माना जा रहा है। अब देखते हैं कि इन छात्रों की किस्मत और दिन कब बदलते हैं। तब तक के लिए बने रही हमारे साथ और देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रही हमारे साथ। देखते रहिए लोकमत हिंदी।
है।